सभी को वंदे मातरम। देखिए सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए पहले नंबर का आपको जवाब देना है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। चलिए सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले का अगर आपका जवाब डॉक्टर प्रतिभा रे है तो समझिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा उड़िया, उड़िया उड़िया जो आपकी भाषा चलती है ना उसी से रिलेटेड आपके राइटर हैं, ये लेखिका हैं डॉक्टर प्रतिभा रे, इन्हीं को आपको डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय की मंजूरी दी गई है। अरे यहां पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर आपका क्या होगा, इसको दिया गया है आपका भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे आप शॉर्टकट में क्या कहते हैं BSNL कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। हाँ नमस्ते नमस्ते सभी को जय हिंद वंदे मातरम। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठक सबसे अधिक चली है। हाँ ना यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर तीन नंबर का जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर देखिए तीन नंबर का जवाब देना है और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका केरल, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर केरल क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। केरल की जो विधानसभा है आपकी बैठक जो है आपकी विधानसभा की बैठक 61 दिनों तक चली है, कितने दिनों तक 61 दिनों तक। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, केरल होगा जो कि किसी भी राज्य में सबसे अधिक है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा सबसे ज्यादा अध्यादेश भी जारी किए गए, जो पिछले बार भारत में सबसे अधिक आपके केरल के ही है, 144 अध्यादेश आपके जारी कर दिए गए हैं, अध्यादेश की बात करते हैं अगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से लेकर 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच अल नजाह यहाँ पर लिखा हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। चार नंबर का देखिए जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ओमान, यहाँ पे आंसर क्या होगा ओमान, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, मुख्यमंत्री मैतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य में शुरू की गई है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर क्या होगा, पांच नंबर का देखिए जवाब देना है क्या होगा, तो पांच नंबर का आपका जवाब हो जाएगा ये छत्तीसगढ़, यहाँ पर विकल्प आपका क्या होगा ए नंबर, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। यहाँ पर देखिए छह नंबर का जवाब देना है, तो ये आपका है सिंगापुर, विकल्प नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा ए नंबर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, दिल्ली का अगला पुलिस पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है दिल्ली का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा डी नंबर, करेक्ट आंसर आपका याद हो जाएगा, याद रखिएगा अगला आपका पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है, ये राज्य का नाम आपका झारखंड, विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा बी नंबर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं। यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, तो ये प्राप्त किया अमेरिका, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू को, है ना यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हाँ किस भारत किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। 10 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा, किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, कितने किलोग्राम भार आपको बताना, ये आपका 49 किलोग्राम है, 49 किलोग्राम है, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, प्रतिवर्ष भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 11 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, है ना कमेंट करते रहिए सभी लोग। 11 नंबर का देखिए जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 अगस्त, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा 1 अगस्त को मनाया जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने भागीदारी की है, तो ये किया है आपका विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया, विकल्प आपके यहाँ पर सी नंबर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मिंजर मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में जवाब देना है, मिंजर मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया है आपका हिमाचल प्रदेश में किया गया, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा डी नंबर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक से लेकर 20 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक्स विन वैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? 14 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपका हो जाएगा वियतनाम। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुन्या नाम के सोने के सिक्के किस देश ने लॉन्च किया है? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो ये लॉन्च किया आपका जिम्बाब्वे ने। विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? है ना, यहाँ पर देखिए बताना राइट आंसर क्या होगा। तो ये जीता है आपका इंग्लैंड ने। यहाँ पे आंसर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, चर्चा में रही द लाइट वी कैरी, चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 17 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो इसके लेखक है आपके मिशेल ओबामा है। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। है ना, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा मिशेल ओबामा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, देखिए अब तो ये आपके राष्ट्रपति चेंज हो चुके हैं, सभी को पता है उपराष्ट्रपति है ना, जगदीप धनखड़ हो चुके हैं, लेकिन प्रश्न थोड़ा पहले का था आपका ये। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। यहाँ पर क्या था? तमिलनाडु आपका होगा। आगे हम बढ़ते हैं। 1 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अचिंता सेवली ने वेट लिफ्टिंग के किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 19 नंबर में जवाब क्या होगा? तो ये जीता है आपका 73 किलोग्राम। विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, द्रास में 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो द्रास में 5140 कारगिल सेक्टर इसका नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया। गन हिल कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही आपका होगा। 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने किसकी 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है? यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी होगा, पिंगली वेंकैया होगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर वी के पाल, विकल्प आपका ए नंबर सही होगा। 1 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा किया है? ना, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सीएम ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा आपकी किया है, अब बढ़ाकर 30 कर दिया। पहले जिले कितने थे? 23 थे, अब यहाँ पर 7 हम जोड़ देंगे तो टोटल कितने जिले आपके? 30 जिले, याद रखिएगा 30 जिले आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 7 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आजादी सेट उपग्रह लॉन्च किया है? 24 नंबर के देखिए जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा। हाँ ना, ये आपका है SSLV है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 2 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर 4th ONGC पैरा खेल 2022 का उद्घाटन किया था? तो यह आपका हो जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया था। आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त 2022 को किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? है ना, यहाँ पर देखिए बताना है। तो ये आपके हैं सत्येंद्र अप्रकाश है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? 27 नंबर में जवाब क्या होगा? तो ये किया जाता है आपका 1 से लेकर 7 अगस्त तक आपका होता है। अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्याभ्यास में किसने हिस्सा लिया है? तो किसने हिस्सा लिया है, यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? INS तर्कस ने लिया है। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर सही होगा। गूगल ने भारत के कितने शहरों में अपने स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च किया है? 29 नंबर में ये लॉन्च किया है आपका 10 शहरों में। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1 अगस्त 2022 को भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम्स ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के महिला फोर्स 4 खिलाड़ियों की टीम स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है? किसे हराकर जीता है? ये जीता है आपका साउथ अफ्रीका को हराकर। विकल्प आपके यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा आपका। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? ना, यहाँ पर देखिए बताना है पहला राज्य कौन सा होगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा केरल, आपका आंसर सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं। 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? 32 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा ऑस्ट्रेलिया में। विकल्प आपके यहाँ पर डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसे शपथ ग्रहण किया है? यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका बी होगा, सुरेश एन पटेल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, है ना, यहाँ पर लिख दे रहा है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, है ना, यहाँ पर 33 नंबर का आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, छात्रों को डिजिटल
जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किस राज्य ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? 34 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपका है असम, विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 तक कितना रहा है? कितना रहा आपको बताना है 35 नंबर में, तो ये आपका रहा है 56.4 रहा है। आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदि पूरम महोत्सव मनाया गया है? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, 36 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना, ये आपका कहाँ पे मनाया गया है आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो ये मनाया गया है आपका तमिलनाडु में, विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? है ना, यहाँ पर आपको बताना ये आपका कर्नाटक सरकार ने, विकल्प आपका बी होगा। चर्चा में रही मनीषा रोपेटा किस देश से संबंधित है? है ना, मनीषा रोपेटा जो आपकी हैं, एक हिंदू महिला मनीषा रोपेटा ने डीएसपी का कार्यभार संभाला, कहाँ पे? पाकिस्तान, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा, है ना, एक हिंदू महिला है, पाकिस्तान की हैं और इन्होंने डीएसपी का पद संभाला है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान यात्रा की है? ना 39 नंबर में बताना है, तो ये किया है आपका 2 अगस्त 2022 को ताइवान तो पहुंची थी, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी अपनी ताइवान यात्रा के दौरान 2 अगस्त 2022 को ताइवान पहुंची थी, आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2 अगस्त 2022 को भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने बर्मिंगम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीता है? ना यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, 40 नंबर में, तो ये आपका देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका रजत पदक, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत को मिक्स्ड बैडमिंटन टीम के फाइनल में मलेशिया के हाथों 1-3 की शिकस्त मिली है। आगे बढ़ते हैं। 3 अगस्त 2022 को भारत के 10 स्थल रामसर सूची में शामिल किए गए, अब भारत में कितने रामसर स्थल आपके हो चुके हैं? 41 का देखिए जवाब देना है, पहले आपके कितने थे, 54 थे, अब 10 आपके और जोड़ दिए गए हैं, 54 + 10 बराबर कितना होता है, अब आपके हो जाएंगे 64, यानी लेटेस्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ना यहाँ पर देखिए 42 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, 42 नंबर में आपका जवाब यहाँ पर होगा हरियाणा, हरियाणा सरकार ने किया है, वहाँ के सीएम आपके मनोहर लाल खट्टर हैं, याद रखिएगा मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर योजना शुरू की है। आगे हम बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? ना यहाँ पर देखिए 43 का जवाब देना है, और ये कंपनी आपकी है कौन सी है, वॉलमार्ट है, विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 14 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? 44 नंबर का जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी होगा, अमेरिका, अमेरिका यहाँ पे सही होगा। चर्चा में रहा पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन है? ना 45 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपकी आंचल शर्मा है, विकल्प आपका बी नंबर होगा। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? 46 नंबर का जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होगा जस्टिस यूयू ललित, अभी समय ये बन भी चुके हैं, है ना, अब आपके चीफ जस्टिस आपके हैं भी सीजीआई, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है? 47 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर चलाया जा रहा है आपका आंसर होगा उत्तराखंड, विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। यूनेस्को ने किस राज्य के लंगत सिंह कॉलेज खगोली वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण लुप्त प्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा है? 48 नंबर का जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा बिहार, विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अगस्त 2022 को किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? 49 नंबर में देखिए जवाब देना है, आंसर क्या होगा, तो ये नियुक्त किया गया आपका श्वेता सिंह को किया गया, श्वेता सिंह यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी श्वेता सिंह, है ना, 2 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में निदेशक पद पर नियुक्ति की गई है। आगे बढ़ते हैं। 3 अगस्त 2022 को तेजस्विन शंकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? तो इनमें मेडल जो जीता गया है वो आपका है कांस्य पदक है, विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर। आप 51 नंबर का देखिए जवाब देना है, किस देश में विश्व की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है?
किस देश में विश्व की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, और बिल्कुल सही जवाब दिया गया यहाँ पर सऊदी अरब होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त है, जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, बढ़ा दिया गया एक वर्ष के लिए, यहाँ पे जवाब क्या होगा बताइए, यहाँ पर आपका जवाब होगा राजीव गाबा, ठीक है ना, विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर क्या होगा, राजीव गाबा यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, विकल्प नंबर डी नंबर आपका होगा। इनका जो कार्यकाल है 30 अगस्त 2022 को समाप्त होने वाला था लेकिन बढ़ा दिया गया है एक वर्ष के लिए, आंसर आपका डी नंबर सही होगा। हाँ यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जो लोग बाद में आए लाइक से जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, 4 अगस्त 2022 को किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान, है ना, दानुरी लॉन्च किया है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करिए और आपको यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताना है क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए 53 का जवाब हमारे बीच आ चुका है, ये आपका होगा दक्षिण कोरिया, ठीक है ना, दक्षिण कोरिया यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है? 54 नंबर में देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका बन रहा है एमपी में, एमपी यानी मध्य प्रदेश, यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा एमपी में होगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का निर्माण मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? देखिए अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? यहाँ पर आपका आंसर आपका हो जाएगा रूपल चौधरी, विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, रूपल चौधरी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। देखिए इससे पहले इन्होंने क्या है कि एक आपका हुआ था, मतलब आप मान लीजिए कि 400 मीटर की दौड़ हुई उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इससे पहले इससे 4 गुना यानी 400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल जीता, यानी 2 मेडल जीत चुके हैं। अब रूपल चौधरी है कहाँ की, मेरठ जिले की है, मेरठ जिले की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पैरा लिफ्टर सुधीर ने कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है ना, स्वर्ण पदक जीता है, यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिए पैरा लिफ्टर, भारतीय पैरा लिफ्टर है आपके सुधीर, इन्होंने क्या किया कि 212 किलो, कितने किलो का वजन, 212 किलो का, यानी 212 किलो का वजन आपका उठाकर स्वर्ण पदक जीता, ठीक है ना, 212 किलो वजन उठाकर। अगला प्रश्न बताइए, 6 अगस्त 2022 को कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? है ना, ये तो आसान प्रश्न है, अब तो सभी को नाम भी याद हो गया होगा, जगदीप धनखड़, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा, 14वें नंबर के हैं, याद रखिएगा 14वें नंबर के। अगला प्रश्न बताइए, किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है 58 नंबर का, ये आपका होगा कार्बेट टाइगर रिजर्व, है ना, उत्तराखंड में आपका है ना कार्बेट टाइगर रिजर्व, यहाँ पर है आपका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, तो ये आपका शुभारंभ किया है आपका रेलवे सुरक्षा बल ने, विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 7 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निकहत जरीन ने बॉक्सिंग में महिलाओं के किस किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? 60 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 48 से 50 किलोग्राम, विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। महिलाओं के 48-50 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है आपका, ठीक है ना, निकहत जरीन, यहाँ पे आंसर आपका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए,
अगस्त 2022 में तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य के शासित प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीफाल आर एन जीम डस्टन है ना से सम्मानित किया गया है? आपको बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा है ना, यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा लद्दाख, विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में, प्रदेश के सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा किया है? एक एक संस्कृत ग्राम, एक एक संस्कृत ग्राम सभी जिलों में है ना, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा किया है? 62 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, ये आपका है उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा बी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बी नंबर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, अगस्त 2022 में किसने मिस इंडिया यूएसए, किसने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? है ना, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका जीता है आर्या वालवेकर है ना, आर्या वालवेकर ने जीता है। वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी हैं आपकी आर्या वालवेकर ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब आपका जीता है, 18 वर्षीय आर्या को है ना, 18 वर्षीय है। यहाँ पे आंसर आपका डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? यहाँ पर आपको आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका विकल्प नंबर क्या होगा, बी नंबर होगा रानीखेत है ना, रानीखेत यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रानीखेत, यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, विकल्प नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश में विकसित किया गया है? हाँ ना, ये किया गया है आपका इजराइल में, विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, है ना, अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ इसका आपके जो आपके अध्यक्ष नियुक्त किए हैं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ये राज्य सरकार आपकी उत्तर प्रदेश है, विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 7 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा किया है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा गोवा, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका होगा। अच्छा देखिए, गोवा के जो आपके सीएम है प्रमोद सावंत, याद रखिएगा जो मुख्यमंत्री वहाँ के हैं प्रमोद सावंत है, ठीक है ना, प्रमोद सावंत, ठीक है, याद रखेंगे प्रमोद सावंत, ठीक है ना, प्रमोद सावंत वहाँ क्या है सीएम है, उन्होंने किया है 100% लागू करने की, विकल्प आपके यहाँ पर सी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न बताइए, परवाज अभिनव मार्केट लिंकेज योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? 69 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये आपका शुरू किया जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? 75वें आपके कौन बने हैं? तो 75वें नंबर के आपके हैं वी प्रणव, याद रखेंगे वी प्रणव आपके 75वें नंबर के ग्रैंड मास्टर आपके बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगस्त 2022 में वर्ष 2021-22 के लिए किसे AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? 71 नंबर का देखिए जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सुनील छेत्री है ना, विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक आयोजित 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? देखिए 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आपका आयोजित जो 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ, इसमें ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा उज्बेकिस्तान, विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसने शपथ लिया है? ये तो आसान है, सभी लोग बता लेंगे है ना, यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया, जस्टिस उदय उमेश ललित, यू ललित भी साठ कर लिखा जाता है, आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 9 अगस्त 2022 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा कर दिया है? तो सेरेना विलियम्स कहाँ की है, ये आपकी अमेरिका की है, विकल्प नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया है?
75 नंबर में देखिए जवाब देना है, और ये आपका है पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार कर्नाटक सरकार के दिवंगत कन्नड़ एक्टर हैं आपके। पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया है, याद रखिएगा आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, अगस्त 2022 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC जिसे आप कहते हैं को लागू करने और राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना करने का संकल्प लिया है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो ये आपका है मणिपुर, विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का जो निर्णय है किस राज्य सरकार ने लिया है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। ये आपका लिया है राज्य सरकार आपकी MP है, मध्य प्रदेश, वहां के CM शिवराज सिंह चौहान है। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन किया है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय भी आपका लिया है। इस योजना में क्या होगा, बाल देख रेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के जो केयर लीवर्स आफ्टर केयर्स कह सकते हैं है ना, जीवन यापन, ये सारी चीज़ें, अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, इससे रिलेटेड आपका। अगला प्रश्न बताइए, मेक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा किया, कौन एक इसमें शामिल आपका नहीं है, कौन इसमें आपका शामिल नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दलाई लामा, ठीक है ना, दलाई लामा यहाँ पे शामिल नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो स्वीकृति दी गई है आपके 31 दिसंबर है ना, 31 दिसंबर 2024 तक, विकल्प आपके यहाँ पर बी नंबर सही होगा। 10 अगस्त 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। देखिए स्वदेशी वैक्सीन है आपकी, बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, हाँ ये वैक्सीन का नाम है आपका लंपी प्रोवैक, याद रखिएगा, विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनर से सम्मानित किया जाएगा, यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताना है क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है सही आंसर क्या होगा, और यहाँ पर आपका जवाब हो चुका है बिल्कुल सही है, शशि थरूर, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा शशि थरूर। अगला प्रश्न बताइए, देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आपके शशि थरूर है ना, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो आपका है सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनर से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका इसरो के द्वारा, इसरो जानते ही होंगे है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति जो है आयोजित किया गया है, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, हाँ ना, यहाँ पर देखिए 83 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा विकल्प नंबर आपका ए होगा, मलेशिया होगा, ठीक है ना, मलेशिया यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 12 अगस्त 2022 को कहाँ पर युवा संवाद इंडिया @2047 शुरू हुआ है, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो ये आपका है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, नई दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 30 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर 2022 तक दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 आयोजित किए जाएंगे, कहाँ पर किए जाएंगे, 85 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, 30 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2022 तक पूछा जा रहा है दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मेघालय में, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 13 अगस्त 2022 को किस नदी पर है ना, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, 13 अगस्त 2022 को किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर आपका ए होगा, चिनाब, है ना, चिनाब नदी, यहाँ पर आंसर आपका होगा बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 13 अगस्त 2022 को भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल किया है, अब देश में इनकी संख्या कितनी हो गई है, अब देश में इनकी संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो अब हो गए हैं कितने, अब आपके हो गए 75 हो गए, ठीक है ना, अब आपके कितने हो गए, 75 आपके हो गए, आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका डी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए,
चर्चा में रहा, हाँ यूपी में 10 है, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा लैंगिया हेनिपा क्या है, लैंगिया हेनिपा क्या है, ये एक प्रकार का वायरस है, एक प्रकार का ये क्या वायरस है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 14 अगस्त 2022 को राकेश राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया है, वे क्या थे, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, तो वे एक कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे आपके, यहाँ पे आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, बुल मार्केट का इन्हें राजा कहा जाता था, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, है ना, देखिए स्कॉटलैंड सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया, कौन सा है, स्कॉटलैंड, फ्री में, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, किस देश की वास्तुकार मरीना तबस्सुम लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बन गई है, है ना, यहाँ पर देखिए बताना राइट आंसर क्या है, तो यहाँ पर आपका होगा बांग्लादेश, है ना, किस देश की है, बांग्लादेश। अगला प्रश्न हमारा, एक विधायक एक पेंशन योजना किस राज्य में लागू की गई है, ये आपकी की गई है, भगवंत मान सीएम है आपके पंजाब में, और पंजाब में आम आदमी की पार्टी है, वहीं पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न बताइए, भवानी देवी ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला सबरे व्यक्तिगत वर्ग में कौन सा पदक जीता है, 93 नंबर का देखिए जवाब देना आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर स्वर्ण पदक जीता है, विकल्प आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू होगी, है ना, 94 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू होगी, वो शहर का नाम आपका है वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 12 अगस्त 2022 को किस राज्य के सरकारी व निजी स्कूलों के 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, यहाँ पर देखिए आपको आंसर बताना क्या है, तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, है ना, वहाँ के देखिए वहाँ सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है आपका, वहाँ का सीएम है आपके अशोक गहलोत है, अब आपके दिमाग में आ गया होगा राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, ए नंबर होगा, है ना, बिल्कुल सही है, गुजरात नहीं राजस्थान होगा, राजस्थान यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, एक अध्ययन के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन से स्थान पर है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा बताइए, कौन से स्थान पर है, है ना, कौन से स्थान पर है, ये आपका है 7वें स्थान पर है, विकल्प नंबर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फुटबॉल का यूईएफए सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता है, हाँ राजस्थान है, बिल्कुल सही बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल का यूईएफए सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता है, 97 का देखिए बताना है, तो ये जीता है आपका रियल मैड्रिड, विकल्प नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा रियल मैड्रिड, यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता दिवस 2022 पर कौन सी तोप पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी है, है ना, पहली बार बनी है, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा, चलिए यहाँ पर देखते हैं जवाब किसका आता है सबसे पहले, है ना, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपका होगा ATAG तोप, विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर होगा, 98 का ए नंबर होगा, चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कुछ लोगों का बी भी आ रहा था, ए होगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है, किस फिल्म को बेस्ट चुना गया आपको बताना है, ये फिल्म का नाम बताना है कौन सी है, देखिए यहाँ पर आपने 1983 में वर्ल्ड कप के बारे में सुना होगा, कपिल देव की समय की बात है, वर्ल्ड कप जीत के आते हैं, तो फिल्म 83 में कपिल देव की भूमिका निभाने वाले रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, लेकिन पिक्चर की अगर हम बात करेंगे तो पिक्चर आपकी 83, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया 83, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, अगस्त 2022 में फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण किस देश के फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा इंडिया, भारत फीफा के नियमों के गंभीर उल्लंघन की वजह से निर्णय लिया गया है, परंतु 26 अगस्त 2000, हाँ सही तो है, 11 से भारत में किया जा सकता है, भारत ही होगा, बिल्कुल सही है 100, हाँ बिल्कुल, लेकिन अब दोबारा से ले लिया गया है, हाँ
हटा दिया गया। अब ये आपका जो अंडर 17 महिला विश्व कप है 11 से आपका 30 अक्टूबर तक भारत में किया जा सकता है, बात सही है। चलिए आंसर तो आपको यहाँ पर भारत ही देना होगा। और एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं 101, लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न का आंसर कमेंट में बताना है, इस प्रश्न का आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है क्या होगा, है ना। सभी लोग कमेंट करिएगा, ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश।